कि वो आए और अपनी बात कहें। जनाब सुमित्रा महाजन जी, हमारी अपनी ताई। मंच पर विराजमान, मैं एक ही वाक्य में बोलूं तो सभी सम्माननीय और सामने बैठे हुए सभी मेरे अपने, सबको नमस्कार। मुझे मालूम है ये मेरा मंच नहीं है, मुझे इसका जरा भी रंच नहीं है। अब मैं वो गाना भी नहीं गा सकती, मैं शायर तो नहीं, उम्र नहीं मेरी, मगर ये बात जरूर है कि शायरी करना, कवि और सामने बड़े बड़े लोग बैठे जिनको सुनने के लिए आप आतुर है, मैं इतना ही कहूँगी। इतने साल से इंदौर का गौरव बढ़ाते हुए पूरे विश्व में आपके नाम के साथ हमारे इंदौर का नाम भी आता है। और मुझे मालूम है अगर मैं उनको पूछूंगी कि सालों साल आप इतने ऊंचाई पर कैसे बने रहे, तो यहाँ आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। इंदौर के लोग जानते हैं जो ईमानदार है, जो मन से काम करता है, उसको सभी लोग अपने सिर पे जरूर बिठाते हैं। और इंदौर के लोग उन्हें अपने दिल में बिठाते हैं। मैं राहत इंदौरी जी का और इसलिए आई हूँ, मैं मुशायरे में वगैरह बहुत कम जाती रही हूँ क्योंकि कवि भी नहीं हूँ, शायर भी नहीं हूँ, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि शायरी वो चीज़ है जिसमें दिल के भाव तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जीवन का बड़ा ज्ञान भी दो अक्षरों में, दो लाइनों में उसमें मिलता है, इतना जानती हूँ। और अब मालूम है आप सभी, मैं केवल कुमार विश्वासनी, हमारे सीनियर बैठे हैं जावेद अख्तर जी, वो क्या नहीं है, कई ऐसे बैठे हैं। मैं आप सबकी तरफ से राहत इंदौरे जी का दिल से, मन से अभिनंदन करती हूँ। आपके कारण हमारे इंदौर का नाम है, आपके कारण इतने सारे लोग पूरे भारत के ये मशहूर लोग आपके लिए यहाँ आए हैं और ये भी पूरे बैठे हुए लोग आपके लिए आए हैं। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम इंदौर पर ऐसा ही बना रहेगा और आपके नाम के डंका ऐसे ही विश्व में बचता रहे, आपके शेर व शायरी ऐसी ही चलती रहे, यही शुभकामना देती हूँ। आगे का कार्यक्रम जरूर जल्दी प्रारंभ करेंगे।